भारत में ब्राह्मण धर्म में सती प्रथा में मर गए पति के साथ उसकी जिंदा पत्नी को उसके पति के साथ जिंदा ही जला दिया जाता था। 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा बंद करने का कानून पारित किया गया था। ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों और क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके लिए भारत सदा आभारी रहेगा, खासतौर से भारतीय महिलाएं। पति की मृत्यु के बाद ही उसकी विधवा को एक कटोरा भांग और धतूरा पिलाकर नशे में मदहोश कर दिया जाता था। जब वह शमशान की ओर जाती थी, कभी हंसती थी, कभी रोती थी, और कभी वो रास्ते में ही जमीन पर लेटकर सोना चाहती थी। यही उसकी सती के लिए जाना था। इसके बाद उसे चिता पर बैठाकर कच्चे बांस की मचिया बनाकर दबा कर रखा जाता था, क्योंकि डर रहता था कि शायद दाह होने वाली नारी दाह की यातना ना सह सके। चिता पर बहुत अधिक राल और घी डालकर इतना अधिक धुआं कर दिया जाता था कि उस यातना को देखकर कोई डर न जाए, और दुनिया भर के ढोल करताल और शंख बजाए जाते थे ताकि उसका चिल्लाना और रोना धोना कोई ना सुन पाए। बस यही था सती प्रथा। सती प्रथा से छुटकारा दिलाने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय को सलाम। सती प्रथा जैसी कुप्रथा के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम।